Hello everyone, welcome to the rocket science class. I'm Ankita Shah और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे class 6 science chapter number 8 and the name of the chapter is body movements. So इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में इस चैप्टर की वीडियोस मैंने दी हुई है. आप जाकर पहले उस सेशन को अटेम्प्ट करें ताकि आपके थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाए और आपको इस सेशन में क्विज सेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत ना आए. ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. और हमारा पहला क्वेश्चन है, सो द साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन इज, बैकबोन का साइंटिफिक नेम क्या है. ठीक है, डिक्स बेस्ड, नो. वर्टिब्रल कॉलम, यस. मेटाकार्पल भी नहीं होगा. मेटापार्पल ये कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था, याद करो, दिमाग में जोर डालो, बोन ऑफ द हैंड में होता था. मेटाकार्पल किसको बोलते हैं, पाम बोन को बोलते हैं. और फ्लैनलेज किसको बोलते थे, फिंगर बोन्स को बोलते थे. तो ये भी नहीं होगा. सो द आंसर विल बी वर्टिब्रल कॉलम. सो अब बैकबोन में मैंने आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा बैकबोन को याद करो. बैकबोन किस तरह से होता था, बैकबोन क्या होता था, एक लॉन्ग हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता था, है ना, लॉन्ग हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता था. ठीक है, जिसमें क्या होता था, कार्टिलेज डिश होता था. ठीक है, बैकबोन होता था और क्या होता था, वर्टिब्रे होता था, है ना, आप लोग को याद होगा. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट बैकबोन में कितने सारे बोन्स होते थे, 33 स्मॉल बोन्स प्लेस्ड वन ओवर अनदर इन द बैकबोन. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बैकबोन में जो एक सबसे बीच में जो एक जाता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता था, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको. ठीक है, एंड ये बैकबोन जो होता है, एक हमारे जो शरीर है उसको एक बहुत मेन सपोर्ट देता है. यू कैन से फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. ठीक है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और फ्रॉम द हेड टू इट्स टॉप, लाइक इन डाउन, इट्स सपोर्ट होल बॉडी. एंड वो किसे किसे अटैच्ड होता था, शोल्डर से, रिब से एंड हिप बोन से, इस तीनों से ये अटैच्ड होता था. ठीक है, so now see the next question, that is that protect the delicate internal organs of the body such as heart, lungs and liver. ऐसा कौन सा बोन है या ऐसा क्या है जो हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गेन्स जो भी होते हैं, हार्ट, लंग्स एंड लीवर, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर करके उसको बचा के रखता है. तो चलो हम लोग ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं. तो डी तो अभी हम लोग पेंडिंग रखते हैं, पहले हम लोग तीनों ऑप्शन को डील करेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि नन ऑफ दीज होगा. यानी बैकबोन नहीं, बैकबोन तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया अभी बैकबोन का केस, हिंज जॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि हिंज जॉइंट तो एक जॉइंट है. ठीक है, सो द आंसर विल बी रिब केज. ठीक है, रिब केज क्या है, एक बहुत लाइक द इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी जो भी होते हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर, विच लाई इनसाइड द स्ट्रॉन्ग बोनी रिब केज, जो कि रिब केज के अंदर रहते हैं. तो रिब केज क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सो अगर रिब केज की बात करें तो रिब केज का डायग्राम जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग, आपको जो मैंने पहले सेशन में बताया था, आपने पढ़ा भी था. ठीक है, सो ये जो बोन यहाँ पे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रेस्ट बोन, है ना, ब्रेस्ट बोन बोलते थे. और ये जो इस तरीके से जा रहा है, दैट इज रिब, रिब केज. और ये जो हॉलो शेप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, बैक बोन. ठीक है, सो रिब केज का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो कि मैंने आपको बताया था. तो क्या बताया था, कि इट टेक पार्ट इन आवर ब्रीदिंग मूवमेंट. रिबकेज जो होता है, जो हम लोग का जो सांस लेते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोअर लेग कॉन्सिस्ट ऑफ टू लेग, टू बोन्स. द लोअर लेग जो है हमारा, टू बोन कॉन्सिस्ट करता है, दैट इज टीबिया एंड कॉलर बोन, नो. फ्यूबुला एंड रेडियस, नो. उल्ना, नो. सो द आंसर विल बी टीबिया एंड फ्यूबुला. टीबिया एंड फ्यूबुला आर द टू लेग्स, टू लोअर लेग्स. ठीक है, जो टू बोन कॉन्सिस्ट करता है उस पे. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. एंड द क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द स्कल. स्कल में किस तरह का जॉइंट प्रेजेंट रहता है. ठीक है, सो अब यहाँ पे दिया हुआ हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट होगा नहीं, क्योंकि हिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट रहता है, दिमाग.
कहाँ प्रेजेंट रहता है हिंज ज्वाइन? हिंज ज्वाइन प्रेजेंट रहता है एल्बो पे, नी पे, नकल, एंड लास्ट वन इज जॉ। तो हिंज ज्वाइन कहाँ प्रेजेंट रहता है? इस चारों प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज फिक्स ज्वाइन, तो द आंसर विल बी फिक्स ज्वाइन। फिक्स ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द स्कल, क्योंकि क्या होता है, फिक्स ज्वाइंट जो होता है इमूवेबल होता है, वो मूव नहीं कर सकता। फिक्स ज्वाइंट में जो बोन्स होते हैं ना, दे आर वेरी टाइटली, लाइक बहुत टाइटली वो लोग हेल्ड होते हैं एक दूसरे से, टाइटली हेल्ड टुगेदर, इवन दे कांट मूव एट ऑल। वो जो है मतलब मूव भी नहीं कर सकते, हिल भी नहीं सकते, ठीक है। एंड पाइवेट ज्वाइंट क्या होता है? पाइवेट ज्वाइंट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन द स्कल एंड नेक, ठीक है। तो प्रेजेंट किस में रहता है? फिक्स जॉइंट में रहता है। सो द आंसर विल बी फिक्स जॉइंट, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। नेम एन एनिमल विच मूव बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग इज बॉडी सेगमेंट एंड इज बॉडी अल्टरनेटिवली। ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि अपना शरीर का जो लेंथ है और शॉर्टनिंग है उसको इज इट्स बॉडी सेगमेंट, और मतलब कि लेंथनिंग जो है लंबाई जो है उसका, उसको फिर शॉर्ट भी कर लेता है किस, जब उसका सेगमेंट में बटा रहता है ऑल्टरनेटिव प्रोसेस में, ठीक है। जैसे कि अभी लंबा है तो फिर छोटा है, फिर आगे जाके ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? फिश? फिश तो नहीं होता है, क्योंकि फिश क्या होता है, एक स्ट्रीम लाइन क्रिएचर है जो कि पानी में रहता है, एक एक्वेटिक एनिमल है, और वो तो तुम्हारा मसल्स के द्वारा चलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फिश के बारे में लास्ट वीडियो में, कि फिश क्या होता है तुम्हारा, वो अपने टेल के द्वारा साइड बाय साइड मूवमेंट लेता है, उसका टेल जो है उसका बहुत मदद करता है उसको राइट डायरेक्शन में मूव करने में, एंड हिज फिन्स भी उसका हेल्प करता है, ठीक है। स्नेक? स्नेक भी नहीं होगा। स्नेल? स्नेल भी नहीं होगा। सो द आंसर विल बी अर्थ वॉर्म, ठीक है। अर्थ वॉर्म जो है क्या है, एक अर्थ वॉर्म जो होता है जिसका लेग नहीं होता है, दे डोंट हैव बोन्स एंड लेग्स। तो अर्थ वॉर्म जो है ना वो अपना मूव्स करता है लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग इज ऑल्टरनेटिव बाय यूजिंग दो मसल्स के द्वारा, वो इसको कर पाता है। दैट इज फर्स्ट वन इज सर्कुलर मसल एंड अनदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल। इस दोनों की मदद के से वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा ये अपना मूवमेंट जो अपना एक स्टेप लेता है, वन कंप्लीट स्टेप फॉर मूवमेंट और फॉर कवरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस, वो उसके द्वारा ये कर पाता है। सो द आंसर विल बी अर्थवॉर्म, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द टर्म श्लीटर इज एसोसिएटेड। कौन से एनिमल के लिए जो श्लीटर टर्म है वो यूज किया गया है? सो एज वी नो स्नेक किसके लिए किया गया? स्नेक के लिए किया गया है, ठीक है। क्यों? क्या होता है इसमें प्रोसेस में कि स्नेक जो है वो वेव वेव लाइक मोशन में चलता है, ठीक है। लाइक यू कैन से इस तरीके से चलता है, वेव लाइक मोशन इस तरीके से चलता है, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो इसमें क्या होता है, ये लूप्स बनाता है इसमें, जैसे ये आप देख रहे हो, ये दिस पोर्शन इज लूप्स, ये लूप्स है, लूप्स है, लूप्स है, ये लूप्स है, ठीक है। सो वेव लाइक मोशन जो भी बनाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं द स्नेक स्लीटर्ड ऑन द ग्राउंड बाय लुकिंग इट्स साइड वे। सो द आंसर विल बी स्नेक, ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। सो द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ जॉइंट कनेक्ट आवर हेड टू द नेक। कौन सा टाइप का ऐसा जॉइंट है जो हमारे हेड से नेक को कनेक्ट करता है? जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया था उसके बारे में, कौन सा टाइप का ऐसा नेक है, बोन है, जॉइंट है जो कि हमारा हेड से नेक को कनेक्ट करता है, दैट इज पाइवेट जॉइंट। फिक्स तो नहीं होगा, वो स्कल में होता है, हिंज भी नहीं होगा। सो द आंसर विल बी पाइवेट जॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट आर डैश। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है वो किस तरह का जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिन जॉइंट तो नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है, नी, जॉ, नकल, ये सब का होता है। पावर जॉइंट भी नहीं होगा क्योंकि एग्जिस्ट बिटवीन हेड एंड नेक, ठीक है। फिक्स जॉइंट ये किस में होता है? स्कल में होता है। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में ही होता है बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। ये क्या होता है, शोल्डर और बॉल सॉकेट के, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है ना, वन एंड ऑफ द वन एंड जो होता है वो राउंड शेप का होता है, बॉल देखा है ना आप लोगों ने, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक और क्या होता है, सॉकेट होता है विच फिट इन टू दैट सॉकेट,
हॉलो स्पेप होता है अनादर दूसरा वाला, तो वो क्या होता है उस पर जाके फिक्स हो जाता है इस तरीके से, इसलिए उसका नाम भी रखा गया बॉल एंड शॉकेट। शॉकेट इसलिए रखा है कि कहाँ पे होता है ये, मो बेसिकली तुम्हारा शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट में पाया जाता है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गिवेन एन एनिमल विच मूव बाय यूजिंग इट्स लार्ज डिक शेप मस्कुलर फुट। कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि बहुत लार्ज डिक शेप मस्कुलर फुट है? ठीक है, सो द आंसर विल बी स्नेल। स्नेल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका जो फुट ऑफ द स्नेल है ना, जो वो चलता है, इट इज वेरी लार्ज फ्लैट डिक शेप एंड यू कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। ठीक है, तो स्नेल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्नेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि स्नेल जो है एक बहुत स्लो मूविंग क्रिएचर है, बहुत स्लो मूविंग एनिमल है ना। एंड उसके स्नेल के जो पीछे जो होता है पीठ के पोर्शन में जो पोर्शन होता है सेल ऑन इट्स बैक, वो जो होता है उसका बहुत उसको हेल्प करता है फॉर मूवमेंट। और शेल जो होता है ना उसका आउटर स्केलेटन है स्नेल का। ठीक है, सो यू कैन, और स्नेल में जो होता है वो उसमें बोन नहीं होता है, तो सेल जो होते हैं ना स्नेल के जो आउटर कवरिंग एरिया में जो रहते हैं ऊपर बैक पोर्शन में, वो स्नेल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गेन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचा के रखता है। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया था कि स्नेल जो होते हैं जब बॉडी जो होता है उसका बहुत सॉफ्ट होता है, ये उसमें क्या क्या होते हैं स्नेल में, एक हेड होता है, माउथ होता है, टेंटिकल्स होते हैं, आईज होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ न्यू बॉर्न बेबी हैज डैश बोन ऑल बट एज इट ग्रो सम ऑफ द बोन फ्यूजेस टुगेदर और जॉइन। जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, जो तुरंत जन्मा हुआ बच्चा होता है, उसका जो बोन होता है वो कितना होता है वो हम लोग को बताना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो क्या होता है, सारे बोन्स जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, फिर एक दूसरे पर ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, सो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वी ह्यूमन बींग कितने होते हैं, 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन और ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 206 होते हैं। बट कोई जन्मा बच्चा होता है, जो छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके टोटल कितने बोन्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 300 होते हैं। ठीक है, एज दे ग्रो, जितना जैसे वो बड़ा होता है, सारे बोन्स क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो फिर वो कितने हो जाते हैं, 206 हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू once again.